तो देश भर में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में साइबर अपराधी किसी अनजान नंबर से फोन कॉल करते हैं और फिर अपने आप को ईडी का अधिकारी या कमिश्नर कह के आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल नोएडा के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जयपुर से 6 छात्र लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को एजेंट बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 लग्जरी कार और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। आपको यह बता दें कि नोएडा साइबर क्राइम की टीम को पीड़ित ने यह बताया है कि कुछ लोगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 52,25,000 रुपए अलग अलग खातों में डलवाए हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा साइबर थाना टीम ने आरोपियों को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कल साइबर क्राइम थाना नोएडा के द्वारा जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है, और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहाँ पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके।